सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक टेक्नो। गाइज आप रियलमी फोन यूज करते हैं तो दोस्तों एक प्रॉब्लम आपको जरूर फेस करने के लिए पड़ता है। होता क्या है दोस्तों, आपका रियलमी फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिक पावर ऑन होता है। ये जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों आपको बार बार देखने के लिए मिलता है, तभी अपना मोबाइल को आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। तो आखिरकार ये रियलमी फोन पर अपना मोबाइल पर ये क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, आज की इस वीडियो पर आपको पूरी डिटेल पर मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप आसानी से समझ जाओगे कि कैसे ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसका रीजन क्या है, इसका रीजन पहले आपको जानना पड़ेगा, तभी दोस्तों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपको आसानी आ जाएगा। तो पहला रीजन हो सकता है दोस्तों, अपना मोबाइल जब ओवरहीटिंग हो जाता है तो तब क्या करता है दोस्तों, अपना मोबाइल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर को ऑफ करके फिर से ऑन करता है। तो उस टाइम पर आपको डरना नहीं है, कूल डाउन होने में जब अपना मोबाइल ओवरहीटिंग हो जाता है तभी कूल डाउन होने में 10-15 मिनट आपको छोड़ देना है, तब कूल डाउन होने से आपको यूज करना है, ठीक है। दूसरा नंबर रीजन हो सकता है दोस्तों, कभी भी आपका मोबाइल में जब रेगुलरली ऑन ब्रांड चार्जर यूज करते हैं तभी भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको अपना मोबाइल पर देखने के लिए मिल सकता है। तीन नंबर रीजन हो सकता है दोस्तों, अपना मोबाइल को 3 से 4 साल हो चुका है तभी दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको ऑब्वियसली देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब अपना मोबाइल पुराना हो जाता है तभी आपको धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों बैटरी में भी कोई भी प्रॉब्लम आ चुका है तभी भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो आज के इस वीडियो पर मैं आपको पूरी डिटेल पर बताऊंगा दोस्तों, जो भी मैं मेथड आपको बताऊंगा आपको एज इट इज फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मेथड पर दोस्तों अपना मोबाइल को सेफ मोड में बूट करना है। तो सेफ मोड में बूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपना मोबाइल का पावर को पहले ऑफ कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद कम्प्लीटली जब पावर ऑफ हो जाएगा, होने के बाद दोस्तों फिर से आपको अपना मोबाइल का पावर को ऑन करना है। पावर को जैसे यहाँ पे ऑन करेंगे तभी अपना लोगो रियलमी लोगो दिखाई देगा। तो बूट होने का टाइम पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, इस टाइम पर दोस्तों अपना मोबाइल का पावर बटन एंड वॉल्यूम ऑफ बटन आपको एक ही साथ में प्रेस करके रखना है, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में प्रेस करके रखूंगा दोनों को रखने के बाद यहाँ पे ये सेफ मोड एनेबल हो चुका है देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, अभी सेफ मोड यहाँ पे एनेबल हो चुका है। अभी आपको क्या होगा दोस्तों, सेफ मोड में जो भी आपका कोर एप्लीकेशन होता है वो सारा एनेबल होकर रहेगा और जो भी आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है दोस्तों सारा डिसेबल हो जाएगा। तभी आपको यहाँ पे ये चेक करना है दोस्तों, 2-3 घंटे आपको यूज करना है कंटिन्यूसली, देन आपको ये चेक करना है कि आपका मोबाइल सेफ मोड में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होता है या फिर नहीं, आपको ये देखना है। अगर आपका स्विच ऑफ नहीं होता है तो सही बात है दोस्तों, अगर आपका स्विच ऑफ होता है तो करना क्या होगा दोस्तों आपको, चलिए नेक्स्ट मेथड में आपको बताता हूं। तो सेफ मोड से एग्जिट होने के लिए दोस्तों आपका मोबाइल को आपको रिस्टार्ट कर लेना है। एक बार रिस्टार्ट करने के बाद आपका सेफ मोड यहाँ पे हट जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये पहले मेथड पर करना है। दो नंबर मेथड पर दोस्तों अपना मोबाइल में कोई भी ऐसे अननोन सोर्स से कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल किए हैं तभी उसको आपको अनइंस्टॉल कर लेना है अपना मोबाइल से, या फिर दोस्तों कोई भी ऐसे हाल ही में एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं तभी से ये प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो तुरंत ही जाके दोस्तों वो एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल कर लेना है अपना मोबाइल से। ये दो नंबर आपको मेथड पर करना है, तभी भी दोस्तों ये एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कोई भी अननोन सोर्स से इंस्टॉल करने के बाद वायरस वगैरह चले जाने के बाद भी ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है, तभी जाके आपको अनइंस्टॉल कर लेना है दो नंबर मेथड पर। तीन नंबर मेथड पर दोस्तों अपना मोबाइल को फोर्स रिबूट करना है। तो फोर्स रिबूट करने के लिए दोस्तों अपना मोबाइल को पहले पावर ऑफ कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे चलिए मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ मोबाइल का। पावर ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब कम्प्लीटली पावर ऑफ हो जाएगा, होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मोबाइल का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन आपको एक ही साथ में प्रेस करके रखना है, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा ये मेरा पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन मैं एक ही साथ में अभी प्रेस करके रखूंगा। प्रेस करके रखने के बाद अभी क्या होगा दोस्तों, जब यहाँ पे आपका लोगो जब दिखाई देगा, पावर बटन को आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मेरा कुछ टाइम वेट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल रिकवरी मोड में आ जाएगा, ठीक है। रिकवरी मोड में आपका लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है, चलिए मैं इंग्लिश से अभी चूज कर लेता हूँ। पावर बटन पर क्लिक करूंगा। पावर बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रिबूट इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज ऑनलाइन अपडेट वाइप डाटा रिबूट और पावर ऑफ। तो आपने यहाँ पे रिबूट पर आके दोस्तों यहाँ से आपको देखने के लिए मेरा पावर बटन पर मैं क्लिक करूंगा। पावर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों योर फोन विल रिबूट लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ से आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोस्तों अभी क्या होगा, अपना मोबाइल फोर्स रिबूट होगा। फोर्स रिबूट में आपको क्या फायदा मिलेगा दोस्तों, कोई भी ड्राइवर वगैरह क्रैश हुआ है रिपेयर करके रिफ्रेश करके आपको दे देता है। इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे तीन नंबर मेथड पर दोस्तों अपना मोबाइल को आपको फोर्स रिबूट करके देखना है, तभी भी दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। फोर्थ नंबर मेथड पर दोस्तों अपना मोबाइल का सेटिंग पर आपको चले आना है। मोबाइल का सेटिंग पर चले आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको
चेकिंग सॉफ्टवेयर अपडेट लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे कोई भी अपडेट अगर आपको मिला होगा तो दोस्तों अपना मोबाइल को अप टू डेट करना है, कोई भी अपडेट मिला होगा तब आपको अपडेट कर लेना है। देन यहाँ से मैं बैक चले आता हूँ, अभी फिलहाल नहीं मिला है मुझे। देन आपको यहाँ पे बैक आने के बाद फिर से यहाँ पे लिखना है, सर्च बार पर आपको लिखना है पावर। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पावर, POWER। लिखने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पर, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, ये ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। ये ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा ये दोनों अभी एनेबल है, आपका मोबाइल पर भी जो दोनों एनेबल है तो दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ऑब्वियसली स्विच ऑफ होकर ऑन होता रहता है। तो क्या करना है दोस्तों, ये जो ऑप्शन को आपको डिसेबल कर लेना है, यानी कि ऑफ कर लेना है, ऑफ करके यहाँ से आपको बैक चले आना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों अभी से आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ नहीं होगा। देन यहाँ से मैं बैक चले आता हूँ, बैक आने के बाद दोस्तों फिर से आपको सर्च पर क्लिक करके इसमें आपको लिखना है रीसेट। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रीसेट। रीसेट लिखने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा एक ऑप्शन, इसमें रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, ये ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पर क्लिक करने के बाद फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पर क्लिक करना है। अगेन क्लिक करने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा गाइस यहाँ पर आपका मोबाइल का जो भी सिस्टम सेटिंग है दोस्तों यहाँ पे रीसेट करना है। एक बार जब यहाँ पे रीसेट करेंगे तभी आपको देखने के लिए बाय डिफॉल्ट जो भी था पहले से यहाँ पे रिस्टोरिंग हो जाएगा। रिस्टोरिंग होने के बाद ऐसे आपको यहाँ पे करना है दोस्तों, रीसेट करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। फिफ्थ नंबर मेथड पर दोस्तों आपको यहाँ पे फाइंड करना है फोन मास्टर, देखने के लिए मिलेगा दोस्तों सभी रियलमी फोन पर मिलेगा फोन मास्टर। फोन मास्टर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से मैं एग्री एंड कंटिन्यू करूंगा। अभी आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों अभी यहाँ पर सभी लोगों का दोस्तों मोबाइल में 100% ही होना चाहिए। ये जो परसेंटेज है दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कैनिंग ले रहा है अभी, यहाँ पे दिखा देता हूँ कितना परसेंट मेरा है, अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा 95% है, ये सभी मोबाइल में दोस्तों 100% होना चाहिए सभी मोबाइल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से आपको नीचे ऑप्टिमाइज पर क्लिक करना है और यहाँ से ऑप्टिमाइज पर क्लिक करके दोस्तों अपना मोबाइल अभी यहाँ पे स्कैनिंग लेगा। स्कैनिंग लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होगा तो यहाँ पे जो भी फिक्स करने के लिए बोलेगा तो यहाँ से आपको फिक्स करना है और इसको आपको 100% करना है, ठीक है, 100% करके रखना है आपको। देन यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिर से क्लीन अप स्टोरेज, देखने के लिए मिलेगा मैं यहाँ पे क्लीन अप स्टोरेज पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे कोई भी कैश डाटा अपना मोबाइल पर होगा तभी यहाँ पे ये बता देगा, तभी यहाँ से कैश डाटा को क्लियर कर सकते हैं। देन फिर से मैं बैक आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वायरस स्कैन, वायरस स्कैन पर क्लिक करना है दोस्तों। कोई भी ऐसे वायरस वगैरह एप्लीकेशन है, कोई भी फाइल है तो दोस्तों यहाँ पे ये स्कैनिंग करके आपको बता देगा अपना मोबाइल पर, देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे 100% है। यहाँ पे कोई भी मेलेशियस एप्स, मेलेशियस फाइल वगैरह यहाँ पे मेरा मोबाइल पर भी नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको चेक करना है अपना मोबाइल पर कोई भी वायरस वगैरह है तो पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये अपना मोबाइल पर आपको डेली करना है तभी अपना मोबाइल स्पीडली और स्मूथली चलेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। तो इस वीडियो का जो लास्ट मेथड है दोस्तों, अपना मोबाइल का बैटरी अगर फुला हुआ है तभी भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों मोबाइल का बैटरी कितना ज़्यादा फुला हुआ है, चलिए आपको दिखा देता हूँ एक बार निकाल के, यू कैन सी आप इसको निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों ये बैटरी का आप देख ही सकते हैं हालत कितना ज़्यादा अभी बुरा हो चुका है, कितना ज़्यादा यानी कि फूल चुका है। तो कैसे चेक करना है दोस्तों आपका बैटरी फुला हुआ है फिर नहीं, जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे रख के आपको दिखा देता हूँ एक बार घुमा के, तो कितना ज़्यादा अभी घूम रहा है दोस्तों आप देख ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी ऐसे फ्लैट चीज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो फ्लैट है इसको मैं भी घुमाऊंगा तभी यहाँ पे ये नहीं घूमेगा क्योंकि ये फ्लैट है, तो आपका बैटरी भी ऐसे यहाँ पे फुला हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपको देखने के लिए मिला कितना ज़्यादा अभी घूम रहा है, तभी आपको क्या करना है दोस्तों आपका बैटरी में कोई भी फॉल्टी वगैरह है तो आपको बैटरी को एक बार चेंज करना है तभी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। लेकिन दोस्तों कई सारे लोगों का बैटरी ठीक है फिर भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको आ रहा है, जब भी अपना मोबाइल को चार्जिंग पर रखते हैं तभी आपका स्विच ऑफ नहीं होता है, जब चार्जिंग पर नहीं रहता है तब स्विच ऑफ होता रहता है बार बार, तब आपको क्या करना है उस टाइम पर? तो करना क्या होगा दोस्तों, अपना मोबाइल का बैटरी में एक कैपेसिटर है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मोबाइल का बैटरी में कैपेसिटर लगा हुआ होता है, उसको एक बार निकाल के रीसोल्डिंग करना होता है। जैसे कि दोस्तों अपना मोबाइल बहुत पुराना हो चुका है, 2 से 3 साल हो चुका है, तो अभी ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए ऑब्वियसली मिलता है, तभी उस टाइम पर दोस्तों एक बार निकाल के कैपेसिटर को या फिर कह लो आईसी को रीसोल्डिंग जब करेंगे तभी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो दोस्तों घर में कर सकते हैं, अदरवाइज रिपेयरिंग सेंटर में जाके एक बार निकाल के दोस्तों आपका बैटरी का कैपेसिटर को निकाल के एक बार रीसोल्डिंग जब कर लेंगे 200-300 रुपये में आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये प्रॉब्लम का आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर आपका मोबाइल का बैटरी में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये रहा आप कैपेसिटर, देख ही सकते हैं दोस्तों ये कैपेसिटर को एक बार निकाल के रीसोल्डिंग करेंगे। ऑलराइट।
गाइस अपन देख ले कि आपका रियलमी फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होता रहता है दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपको बार बार देखने के लिए मिलता है। तो ये प्रॉब्लम का आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है पूरी वीडियो में आपको डिटेल पर बता दिया हूँ। इस तरीके से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करने के बाद आपका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है, और भी ऐसे असम वीडियो देखने के लिए डायनामिक टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट असम वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून। जय हिंद।